नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं और रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई है। देखिए अभी भी आसमान में बादल देखने को मिल रहे हैं, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। गांव में एक शादी है, शादी अटेंड करनी है, उसके बाद देखते हैं कि काम में जाने का समय हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो निकलते हैं घर से और शुरू करते हैं अपना दिन और अपना ब्लॉग। तो दोस्तों हम लोग घर से आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं मस्त जंगल होते हुए। एक मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे, आपके साथ शेयर करता हूँ। और लगभग 20 मिनट और लग जाएगा यहाँ से पैदल चलने में, तो वो देखते हैं और व्यू दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी रोड पे। ये हमारी गांव वाली रोड है और लगता है यहाँ पे कि बारात आ चुकी है। और काफ़ी नीचे है शादी वाला घर, जहाँ ये घना जंगल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मार कर रहा हूँ तो यहाँ पे इससे नीचे है शादी वाला घर। तो चल रहे हैं हम भी, देखते हैं कितना समय लग पाता है अभी। और नज़ारे देखिए, दोपहर में अभी लगभग 12 बजे का समय हो रहा है और रात को भी थोड़ी बारिश हुई है, तो माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है, मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है। और सभी लोग आ रहे हैं, पीछे से और लोग भी आ रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं कितनी देर और लगती है। एकदम डाउन साइड है, काफ़ी नीचे जाना है रोड से। और देखिए कैसे जा रहे हैं आगे से फ्रेंड लोग। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में। ये इनका एंट्री गेट मस्त बना रखा है, तो अंदर चलते हैं और कुछ नज़ारे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहुँच चुके हैं दोस्तों हम भी शादी वाले घर में। रोड से काफ़ी दूर है, तो सामान वामान लाने में भी दिक्कतें रहती है। पहाड़ों में दूर दूर लोगों के घर हैं और एक रोड होती है, शहरों का जैसा नहीं होता है। और यहाँ नीचे चला हुआ है मस्त हुलत खाना। पहाड़ों में इसी तरह कोई फंक्शन होता है तो इसी तरह खाना खिलाते हैं सभी को। आराम से बैठते हैं लोग, आराम से बिठाल के लोग 10-15 लोग बांटने वाले होते हैं, तो सबको आराम से खिलाया जाता है। इसको पहाड़ में हुलत खाना बोला जाता है। तो सभी लंच कर रहे हैं, सभी को खिला रहे हैं, तो हम भी खा लेते हैं समय से। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ खाने के लिए मस्त, अभी दाल चावल राजमा चावल खा रहा हूँ। तो बहुत से आइटम यहाँ पे बने हैं अभी। दोस्तों खाना खा के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे है जयमाला का कार्यक्रम और बारात यहाँ पे पहुँच चुकी है। देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा बारातियों का डांस। सामने कुछ जो रीति रिवाज है यहाँ पे दूल्हे के साथ में, वो किया जा रहा है। और यहाँ पे चला है बारातियों का डांस। अब देखिए आप थोड़ी देर बारातियों का डांस। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी छत पे और बारातियों का डांस कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। तो इस प्रकार अगर फंक्शन होते हैं गांव घरों में तो लोगों का आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। और घर भी इनका थोड़ा दूर है, देखिए जो भी इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है, जो भी उन्होंने व्यवस्थाएँ बना रखी हैं, तो बढ़िया है। जिस हिसाब से सिचुएशन होती है उस हिसाब से यहाँ पर बढ़िया है, क्योंकि आपने देखा काफ़ी ऊपर रोड से यहाँ पर आना पड़ता है, काफ़ी नीचे है इनका घर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीचे, शादी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे, और यहाँ पे दूल्हे के साथ कुछ कार्यक्रम हो रहा है। पता नहीं कौन सी रीति रिवाज हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है। और यहीं पे अभी शादी होगी और अभी जयमाला कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ पे गजब की भीड़ लगी है, मैं आपको दिखाता पर ऐसे में शूटिंग करने में कुछ मज़ा आता नहीं है। और देखिए गाँव की औरतें जो आई होंगी निमंत्रण में, सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं और सामने हो रहा है जयमाला। देखिए वहाँ पर कितनी भीड़ है, अगर ऐसी भीड़ में शूटिंग करें तो क्या मज़ा आता है। और इसी प्रकार देखिए सभी लोग प्यार से आराम से यहाँ पर खाना खाते हैं पहाड़ों में, आराम से बैठ के, कोई जल्दी नहीं। और काफ़ी नीची जगह है, हमारा घर काफ़ी ऊपर है, मैं मार कर रहा हूँ, तो वहाँ से यहाँ पर आए हैं। रोड की ऐसी सुविधा नहीं है, चल के ही आना पड़ता है। और दूर दूर में लोगों के यहाँ पर घर हैं, तो यहाँ पर हो रहा है जयमाला कार्यक्रम अभी।
दोस्तों हम जाने लगे हैं अब घर की तरफ को। नीचे रहा शादी वाला घर, काफ़ी देर यहाँ पर रुक गए। अभी समय 2:30 बजे का हो रहा है तो टाइम से पहुँच जाता हूँ। एक राउंड जाऊँगा चकूटा साइड पे, वहाँ पर चल रही है रिटेनिंग वॉल की चिनाई, तो वो आपके साथ शेयर करनी है। काफ़ी नीचे देखिए इनका घर है और इस प्रकार के नज़ारे आ रहे हैं अभी दोपहर के समय में। और देखिए ऐसे रास्ते होते हैं पहाड़ों में, पुराने जिनको खड़ंचा बोला जाता है पहाड़ी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। और बुरांस के फूल तो आजकल हर कहीं जंगल में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जंगल में आजकल खूबसूरती ही बुरांसों के फूल की आती है, सभी जगह लाल लाल एकदम सा मस्त लगता है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं काफ़ी ऊपर हम, और ऊपर रोड है देखिए, मैं वहाँ पर मार कर रहा हूँ। तो थोड़ा और हमने चलना है, जूम कर लिया मैंने, देखिए यहाँ पर है रोड। तो रोड पर पहुँच जाते हैं, ऐसे ही पहाड़ों के ऊँचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हुए हम जा रहे हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम रोड पे, और यहाँ से देखिए काफ़ी नीची जगह से हम आ रखे हैं। जूम कर रहा हूँ, वहाँ से मार कर रहा हूँ, वहाँ से हम आए, काफ़ी चढ़ाई चढ़ ली। और पहाड़ों में लोगों का इसी प्रकार डेली अप डाउन इतना रहता है कि वैसे ही वर्कआउट हो जाता है, तो पहाड़ एकदम फिट रहते हैं। तो पहुँच जाते हैं रोड में, ये सारी गाड़ियाँ बारात की, एक ट्रक भी निकल रहा है अभी। तो यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे अब चकूटा की तरफ को, और चकूटा पर क्या काम चल रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। तो फाइनली दोस्तों कसैलेक के पास में पहुंच चुका हूं, ऊपर है कसैलेक मार्केट। तो काफ़ी शांति छाई हुई है पहाड़ों में, कल रात जो बारिश हुई है उसके कारण भी थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है अभी, और नज़ारे काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं। तो चलते हैं चकूटा, वहीं जाके बात करूंगा आपसे। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ चकूटा साइड पर, नज़ारे देखिए यहाँ पर। अभी 3 बजे का समय हो रहा है, काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है, और यहाँ पर रिटेनिंग वॉल का कार्य जारी है। जो दिन भर उस पर चिनाई हुई उस पर अभी करी जा रही, ऊपर से DPC और साथ में कॉलम भरे जा रहे हैं। दोस्तों शाम का समय है और साइड पे हमारा मटेरियल आ चुका है, थोड़ा बहुत आया है सीमेंट और थोड़ी आई है रेता यानी कि बजरी, उसी के लिए अभी जगह बना रहा हूँ मैं। ईंटें थोड़ी साइड रख देते हैं, तो यहाँ पर उतारेंगे बजरी को, और जो सीमेंट है सीमेंट को उतार रहे हैं हम यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ मैं। तो सीमेंट उतारा जा रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ स्टॉक कर देते हैं, तो कल फिर यहाँ से ऊपर स्टोर में रखा जाएगा। तो अभी लेट हो चुकी है, थोड़ा टब भी रहता है, करीब 50-60 बैग सीमेंट के हैं, तो ऊपर पहुँचाने में काफ़ी समय लग जाएगा अभी, तो ये काम होगा कल। तो अभी यहीं स्टॉक करते हैं इसको आराम से। तो बजरी हम यहाँ पर उतारते हैं, और ये जो मटेरियल आया है ये आया है हल्द्वानी से, और यहाँ पे सारा मटेरियल आता है दोस्तों हल्द्वानी से ही आता है, क्योंकि पहाड़ में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो सारा मटेरियल हल्द्वानी से आता है, और जितना किराया जितना हम वहाँ पे ख़रीदते हैं प्रति कुंटल, तो उतना ही प्रति कुंटल यहाँ आते आते उसका किराया लग जाता है। तो इसलिए पहाड़ों में मटेरियल जो भी है कंस्ट्रक्शन वो थोड़ा कॉस्टली आता है, और बहुत टफ रहता है पहाड़ में मकान बनाना, हर किसी की बस की बात भी नहीं है। साफ भाषा में बात करें तो कुल मिला के पैसा चाहिए, तो तभी जाके काम होता है यहाँ पे, अगर घर वर बनाना है। तो सीमेंट हम यहाँ पे स्टॉक कर लेते हैं, और रेता का लुक ये रहा। तो सीमेंट हमने अच्छे से पैक कर लिया यहाँ पे, अच्छे से ढक लिया, तो कल यहाँ से संभाल के ऊपर रख लेंगे स्टोर पे। दोस्तों पहाड़ों पर हो चुकी है शाम, हम आ चुके हैं काम से घर की तरफ को, और कसैली मार्केट से भी निकल चुका हूँ घर की तरफ को। और नज़ारे देखिए शाम के समय में बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और सुबह जिस बारात में गया था वो भी अब जाने लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ियाँ आ रही हैं नीचे से, तो बारात भी वापस जाने लगी है। तो मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ, और व्यू कैसा लगा शाम के समय में पहाड़ों से हमें कमेंट में शेयर करिएगा। दोस्तों फाइनली पहाड़ों पे हो चुकी है शाम, नज़ारे देखिए अभी शाम के समय में, धीरे धीरे लोगों के घरों की लाइट भी जलने लगी है। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, एक और नया दिन और कुछ नई बातें, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।